ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं सिटी पार्सल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग यूनिवर्सिटीज कवर कर रहे हैं, मीटअप्स कर रहे हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का जो कैंपस है वो बेसिकली घूम रहे हैं। और आज हम लोग आए हुए हैं, BHU का एक पार्ट है RGSC, ठीक है। और मैं ये वर्ड कई बार बोलने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, और पूरा अंदर चल के देखने वाले हैं कि क्या है ये कैंपस, कैसा है बेसिकली। कुछ लोग मुझे अभी भी वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ओके हाय, ठीक है। तो अब हम लोग चल के घूमेंगे और आज के, हाँ, इनको था इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा। ये भाई साहब है जो हम लोग आज घुमाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, तो आप आज ये मतलब जस्ट मुझे मिल गए, ये आई थिंक स्टूडेंट हो, मुझे पहचानते थे तो हुआ कि भाई चलो हमें घुमा दो, तो हमें घुमाने वाले हो ना पूरा बढ़िया से, ठीक है। और इनके पास एक्सपीरियंस भी है, कितने साल का? 3 साल। तो कहीं ना कहीं हम लोग भूलेंगे नहीं अंदर क्या होने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कैंपस का मेन गेट है, थोड़ा रूट दिखाना चाहूंगा। ये जाता है कहाँ पे जाता है, मड़ियान और घुरावल और रावसगंज जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आए हैं जो कि मिर्जापुर जाता है, विंध्याचल जाता है, वाराणसी जाता है और प्रयागराज जाता है। और ये देखो BHU का बड़ा गेट, जैसे हम लोग का होता है ना वैसे RGSC को कोई बड़ा गेट नहीं है, ये जस्ट हाईवे से जैसे आप कटते हो बस ये पूरा रूट स्टार्ट हो जाता है, यही इनका मेन गेट समझ लो। वैसे थोड़ा आगे जाने के बाद जो वेटनरी साइंस वाला है वहां पे बढ़िया सा गेट बनाया है इन लोगों ने, लेकिन बेसिकली यही इनका हो जाता है। और इधर भी है, इधर भी ये दिखा दीजिए थोड़ा सा, इधर बेसिकली क्या होता है दोस्त, इधर भी हॉस्टल्स हैं, फार्मिंग होती है, ये भी काशी विश्वविद्यालय, मतलब समझ लो कि अपने BHU ने बहुत जमीन रखा हुआ है, बहुत जमीन रखा हुआ है। सो फाइनली ये यहाँ पे बंटी शॉप, अच्छा ये बंटी शॉप है। अच्छा यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं? यहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है। ये पहला तिरहा है, चौराहा है, ये चौराहा कहाँ जाता है? ये लिखा है फसल कैफेटेरिया, फसल, अच्छा फसल, हाँ। अच्छा चेक डैम मतलब क्या, यहाँ पे कोई डैम होता है? तो डैम छोटा सा डैम, हाँ। और ये है हमारा एंट्री गेटिंग, अच्छा सारी प्रॉक्टर सब PIC सब यही है। अच्छा, मैं बेसिकली आपका ये ऑफिशियल वर्क यहीं पे होता है, प्रोक्टोरियल बोर्ड आपकी यहीं। अच्छा, यहीं पे बसें वगैरह भी है? अच्छा, कोई मुझे बता रहा था यहाँ पे कम बसें हैं, लेकिन फिर भी 2-3 बसें दिख रही हैं। अच्छा, एक बस यहाँ पे भी है, कुछ बसें यहाँ पे तो BHU भी जाती है ना। ये क्या है, मालवीय जी का वो है, मालवीय का पार्क। अच्छा, मालवीय जी का पार्क, ठीक है। हम लोग और ये रास्ता कहाँ जाता है? ये जाता है वार्डन, यहाँ पे वार्डन सब, यहाँ सब टीचर्स रहते हैं। अच्छा, SBI का बैंक अंदर भी है क्या? ये ट्रैक्टर वगैरह क्या कंस्ट्रक्शन चलता रहता है क्या, ये लोग आते हैं अंदर? हाँ, ये बैंक है SBI का। अच्छा ठीक है, ओके, ये बैंक जाता है रास्ता। चलिए अंदर, इन लोगों ने एक बैंक दे रखा है पूरा शायद, यहाँ ये हॉस्टल है, ये बहुत छोटा लग रहा है। नहीं, ये कृषि विज्ञान केंद्र है, आगे आने वाला हो। अच्छा, ये हॉस्टल है, ये जो बाउंड्री है। हाँ, ये बाउंड्री है। अच्छा, हिमगिरी हॉस्टल, ठीक है भाई। देखो ये हिमगिरी हॉस्टल है, ठीक है। चेक डैम 2, ओके। टोटल कितने डैम है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ ये डैम, ठीक है। चेक डैम 2 आ गए हम लोग। हाँ, मतलब ये लोग रेनी वाटर को लग रहा है कंजर्व करते हैं और फिर उसको फिल्टर करके पीने योग्य बनाते होंगे ना भाई। अरे यार, यहाँ मैं आया हूँ, 5 साल पहले आया हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे तो मैं उस समय बन रहा था और इस पे मैं चढ़ के फोटोज ले रहा था। ये जो बाउंड्री है ना, ये बन रही थी उस समय। हाँ, ये पहला डैम है ना? दूसरा नंबर का। अच्छा, दूसरा। इसके आगे क्या होता होगा? ये जो बाउंड्री है, फार्मिंग सब होती है वहाँ पे, वो जो थोड़ा सा देखते हैं इनका डैम कैसा है भाई। आ जाओ, ये है देखो डैम, वो है कहाँ पे, वो सामने बिल्डिंग में, ये वाली बिल्डिंग। अच्छा देखो भाई, ये प्रोफेसरों की बिल्डिंग है, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या है, वो भी लग रहा है कुछ वाटर वाला ही। अच्छा, फार्मिंग। और गेट कैसा है यहाँ पे एक? अच्छा, फार्मिंग का। और ये रूट्स जो है बेसिकली कहाँ जाता है? फार्मिंग एरिया। और ये क्या है, ये पूरा एरिया कैसा, ये विंडम फार्म में चला जाता है क्या? हाँ, लेकिन पानी से ज्यादा एक्सेस होता होगा आपके यहाँ, तो फिर ये पानी कहाँ जाता होगा? ये नहीं, विंडम में चला जाता होगा बेसिकली। चलिए घुमाते हैं फिर।
अच्छा यहाँ पे टावर तो है लेकिन बेसिकली इस कैंपस में नेटवर्क किसका सबसे अच्छा है, एयरटेल या जियो या किसका? एयरटेल। अरे भाई मेरा तो एयरटेल पकड़ ही नहीं रहा यार। हाँ ठीक है, हम लोग अब अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हॉस्टल्स आप दिखाने वाले हो। यहाँ का स्कूल बिल्डिंग कहाँ है, क्लासेस कहाँ चलती हैं? अच्छा, और जहाँ पे आज प्रोग्राम में मैं आया हूँ वहाँ पे भी क्लासेस चलती होंगी? ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही थी वहाँ पॉन्ड से वो डैम से वहाँ वो रास्ता जाता है, वो टीचर्स वाला वार्ड। ये देखो मालवीय पार्क। अच्छा इसका टाइमिंग होता है क्या खुलने का कुछ? 4 बजे बंद हो जाता है। अच्छा और यहाँ की लाइब्रेरी कहाँ है? अच्छा अभी हम लोग मेन रास्ते से निकले थे और सीधे गए थे, ठीक है अब हम लोग मेन रास्ते से लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे? ठीक है हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। ठीक है ये हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। पूरा देखो स्ट्रीट पूरा खाली है। आप सोचो कि BHU में क्या आपको कभी ऐसा इतना खाली स्पेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस बरगद के पास भी वीडियो मैंने बनाया है, ऐड कर दूंगा। ये सब छोटे छोटे लिंक रोड है जो कि कहीं भी चले जाते हैं। बेसिकली ये जो बड़े चौड़े रास्ते हैं लगभग 12 फीट वाले, ये रास्ते जो हैं बेसिकली आपको फॉलो करना है कैंपस के अंदर अगर आप हो तो। मतलब बारिश में तो पूरा बहने लगता होगा पानी इस पर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा पेड़, ये 5 साल बाद मैं देख रहा हूँ ये पेड़, एक बार इसके पहले मैं देख चुका हूँ। आई थिंक ये सब हॉस्टल्स रूट जाता है ना, अभी हम लोग हॉस्टल पे चल दिए। अच्छा जब बारिश होती है तो खूब बारिश होती होगी यहाँ पे तो? अच्छा कैफेटेरिया मतलब वहाँ पे कैंटीन टाइप का है, कुछ भी खा पी सकते हैं हम लोग? अच्छा ये रास्ता कहाँ जाता है, ये वाला? ये जाएगा न्यू एल्टी। अच्छा सांप बिच्छू वगैरह भी तो दिखते ही होंगे ना? हाँ। अच्छा हर कॉर्नर पे इन्होंने बरगद लगा रखा है, क्या है ये? ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये सारा गर्ल्स हॉस्टल, ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल का रूट है। अच्छा देखो भाई ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये क्या ये है? जलपानगिरी। अच्छा यही आपका कैफेटेरिया है? हाँ। अच्छा कोई बता रहा था मुझे वो है दुबे जी का शॉप। दुबे जी का शॉप, अच्छा वहाँ पे भी कैफेटेरिया में दुकान है? अच्छा दुबे जी का शॉप। अच्छा ये अग्रवाल शॉप, मतलब ये दूसरा एक शॉप है RG80 का, भाई देख लो ये एक। अच्छा बॉयज हॉस्टल जा रहे हैं, बड़ा दूर दूर है यार, कैसे ट्रैवल कैसे मतलब क्या करते हो? पैदल आना जाना करते हो क्लासरूम से हॉस्टल? फिर भी बस का तो मतलब हमेशा तो नहीं चलता होगा। अच्छा यहाँ का हेल्थ सेंटर है क्या, स्वास्थ्य हेल्थ केंद्र? अच्छा क्या क्या इलाज हो जाता है बेसिकली वहाँ पे? अच्छा विंध्याचल हॉस्टल है भाई, ये देख लो। अच्छा यहाँ का हॉस्टल सब लुक बढ़िया है, बढ़िया बनाया गया है। हाँ बताओ हेल्थ सेंटर में क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या इलाज हो जाता है? अच्छा दो एम्बुलेंस रहती है, बाहर दूर ले जाती हैं, मतलब बाहर शहर में इलाज कराने के लिए जाएंगी, और बाकी छोटा मोटा बीमारी के लिए वो लोग खुद हैंडल कर लेते हैं। ये तो फिर बड़ा फ्लैट टाइप का होगा लुक। अच्छा मतलब टीचर सेकेंडरी फैकल्टी वहाँ से हट गई है? अच्छा ये हम लोग लग रहा फिर एक हॉस्टल पे आ गए। अच्छा इन अच्छा इन लोगों ने हॉस्टल का नाम रखा हुआ है शिवाली। अच्छा अच्छा यहाँ पे लाइट वगैरह हमेशा रहता है, 24 घंटे रहते हैं लाइट? अच्छा कभी कभी कट। ये रूट कहाँ जाता है, ये वाला रूट कहाँ जाता है? ये वाला नहीं है, ये अच्छा अरावली। देखो यहाँ ऊपर देखो लाइट भी वायर भी गई हुई है, सबसे बड़ा हॉस्टल है ये। अच्छा सब पे सोलर पैनल भी लगा हुआ है, एक राउंड था से नजदीक ले चलो ना। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा बस जूम कर ले रहा है, ठीक है ठीक, नहीं ठीक है चलो, नहीं चलो हॉस्टल चलोगे क्या? नहीं जाने तो
अच्छा, मतलब वापस चलना है। ये हॉस्टल था देखो यहाँ का, पीछे डैम वाला, पीछे डैम बहुत दूर है, वेटनरी। अच्छा वेटनरी आएगा। ये यहाँ के चचा लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ चचा लोग हैं वैसे यहाँ के चचा लोग हैं, बेचारे लोग अपना लगे हुए हैं। वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अच्छा ये हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे आज प्रोग्राम है क्या? वही रोड पे, इसी रोड पे तो हम लोग बना रहे हैं। अच्छा जहाँ पे आज आए हुए हम लोग ना, तो हम ही लोग की बस तो खड़ी है पूरा। इन लोगों ने देखो यहाँ पे कौन सा है, इससे फूल बोलते हैं केनर, नहीं ये फ्लावर है जो किनारे किनारे, केनर ना केनार। अरे यहाँ पे भी कोई कैंटीन है वो कोने पे, यहाँ पे भी कैंटीन है। ये न्यू एलटी है, यहाँ पे मैक्सिमम क्लासेस चलती हैं, क्लासेस चलती है, कोई इवेंट होता है तो बेसिकली यहीं में लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा इसके बाद हम लोग कहाँ घूमने वाले हैं? लाइब्रेरी बाकी रह गया। ये है न्यू लैब सीएलसी। क्या नाम है इसका? न्यू लैब सीएलसी। अच्छा ये न्यू लैब सीएलसी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करता है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। देखो भाई ये न्यू लैब सीएलसी। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गाय वगैरह खूब रहते हैं। अच्छा सांप बिच्छू, सांप बिच्छू कभी देखने को मिल जाएगा कॉमन है। अच्छा बारिश के मौसम में। अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अभी भी होता रहता है। अच्छा यहाँ पे जो ऐसे पेड़ पौधे हैं इसमें क्या बगीचा टाइप का है? आम का ऐसे बगीचा टाइप का नहीं है, सब जंगली पौधे हैं। उस बगल है, अच्छा अमरूद का। अच्छा यहाँ पे स्पोर्ट्स कैसा है? स्पोर्ट्स भी आपका स्टेडियम। बच्चे तो दिख ही नहीं रहे हैं, शाम का समय है। अभी तो घर गए थे। मतलब बच्चे अगर आ जाते हैं तो क्या चलता है, सब खेलते वेलते हैं? तब यहाँ पे आपको फुटबॉल मिला मशीन है। अच्छा लाइट वाइट तो दिख रही है बच्चे। अच्छा देखो भाई ये कुछ नजारा है यहाँ का, ये पूरा पूरा लुक दिख रहा है, ये है पूरा लुक। हरा भरा है, ये तो है हरा भरा है, शांत है। और ये ओपन, देखो यहाँ पे ओपन जिम है हमारे यहाँ इस तरीके से 8-10 लगा रखा है बीएच वालों ने ओपन जिम। देख रहे हो रास्ते पे कोई दिखा आपको? दिखा दिखेगा ही नहीं, जबकि अभी न्यूली एडमिशन। ये इनका जिम है, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब आ सकते हैं। अच्छा सबके टाइमिंग अलग अलग। स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे? अच्छा स्विमिंग पूल नहीं। अच्छा जिम स्विमिंग पूल और यहाँ पे और एनसीसी एनएसएस ये सब। एनसीसी है? अच्छा एनसीसी यहाँ नहीं होता है। अच्छा ये देखो यहाँ का ये क्या है, कहाँ लाइब्रेरी है? ये लाइब्रेरी है। अच्छा हाँ अंदर नहीं जा सकते क्या? इसकी टाइमिंग क्या है? यहाँ से एंट्री लो, उधर से निकाल देना सामने से। अच्छा देखो यहाँ की लाइब्रेरी देख लो भाई, एसी उसी तो लगा हुआ है, फुल एसी है। कितना सीटिंग होगा इसमें? बच्चे तो एकदम पार्किंग कहाँ है इसका? साइकिल बच्चे तो दिख ही नहीं रहे हैं, बच्चे एक भी नहीं है, क्यों एकदम खाली है? अच्छा वहाँ पे एंट्री होती है। देखो ये यहाँ की लाइब्रेरी है भाई।